हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असेंबलर और असेंबली लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो ये एक हार्डवेयर के सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो इस वीडियो में ब्रीफली जानेंगे व्हाट इज असेंबलर एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज असेंबलर। An assembler is a program that converts the assembly language into machine code. मतलब ये जो assembler होता है ये एक तरीके का program होता है, या तो हम इसे एक software भी कह सकते हैं, जो कि हमारे assembly level code को एक machine code में convert करता है। Sometimes referred to as the compiler of assembly language. Assembler को हम एक assembly language का compiler भी कह सकते हैं। अब जानते हैं what is assembly level language. An assembly language is a low-level programming language for microprocessors. यानी कि ये जो assembly language होता है ये एक तरीका का low-level programming language हम इसे कह सकते हैं, जो कि design किया गया है microprocessors के लिए। तो ये जो assembly language होता है इसका जो compiler होता है वो assembler को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये assembly language को एक machine code में convert करता है। अब जैसे कि हमको हर एक operating system के लिए एक अलग अलग असेंबलर देखने को मिलते हैं, जैसे कि विंडोज़ के लिए हमको जो असेंबलर मिलता है वो हम लिनक्स या तो मैक में यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए हर एक असेंबलर के लिए एक पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज डिज़ाइन किया जाता है, जिसका यूज़ करके हम असेंबली कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन असेंबलर और असेंबली लेवल लैंग्वेज का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।